ये देखिए भाई, को यहाँ मंदिर में घुसघुसाई वाला मिली है, जैसे पार्क में रहता है। ये है कुछ पुराने जमाने के मकान, इस तरह के होते हैं। ये देखिए रुचि घुस चुकी है अंदर। हाँ, कैसा लग रहा है रुचि? आंगनबाड़ी जा रहा है ना, जा फिर। ये एक इसके ऊपर बना है, कुछ इस तरह का है, लॉबी टाइप की। इनकी खिड़कियां हो गई और नया वाला मकान उधर हो गया। तो गाइज, सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, आज की हमारी जो डेस्टिनेशन है वो 125 किलोमीटर की रहेगी या उससे कम रहेगी, 100 किलोमीटर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट है। हम जाएंगे गिरछिना गोलजू मंदिर होते हुए। गोलजू फेमस है, चौड़ा के गोलजू, तो वहाँ भी बच्चों को दर्शन करा के फिर वहाँ से हमारी जर्नी होगी आगे को। हम मिलेंगे, ये रोड जो मिलेगी ये मिलेगी सोमेश्वर पर। तो सोमेश्वर से फिर हम वही NH पर मिल जाएंगे। होने को तो ये भी NH है, लेकिन उतना भी नहीं है, छोटी रोड है वो। तो यहाँ से हम गिरिजना हो। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मांड और पेशरी में क्या अंतर है। ठीक है, जिसने देखा है लाइक शेयर कमेंट कीजिए। यह है मांड, मांड होता है ये, देखिए। ठीक है, किसी को अगर देना है तो मांड ऐसे देते हैं, और यह है पेशरी। पेशरी कुछ बड़ा होता है इससे। ठीक है, ये देखिए, नहीं कहते हो एक पेशरी और एक मांड करके, तो यही है। जिस किसी ने देखा है लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यह हो गया मांड और यह हो गया पेशरी दोस्तों। यह है दोस्तों सबसे पुराना वाला पेड़ बेतड़ का। ये देखिए कुछ इस तरह का है, सूख चुका है अभी। यह है सामने की मार्केट, इनकी चामी वालों की। नीचे गाड़ी है मेरी, वहाँ पर उस सामने देखिए वो गाड़ी है, और यहाँ से चल के ऐसे आना है, हल्का सा चलना है, ज़्यादा नहीं है। और इस पहाड़ी के इधर को है बागेश्वर। अभी हम जाएंगे इस रोड से दोस्तों, यूं करके सीधे बागेश्वर पर निकले हम, और उधर हो गया ढुंगाधारा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो। लकड़ी की पुल है वो, और यह है गुलजू मंदिर। नीचे देखो, नदी देखो, अभी नदी में भी जाओगे, देखो। हाँ, ये देखिए लकड़ी के पुल हैं। यह है गुलजू मंदिर। आज चौथी पांचवी बार फिर आ गया हूँ मैं। जय गोलजू, जय गोलजू देवता, चौड़ा गोलजू 1986। यह है हमारे काल बहरा। क्या कर रहे हो भैया, बैठे रहो वहां पर। यह है गोलजू हमारे, हाँ अल्लाह बोल रहे। जय गोलजू की, यह आगे घंटी बजा के पूजा पूजा पाठ मजा आएगा। आज शिवरात्रि है, यहाँ बजा। यह है गोलजू हमारे, जय गोलजू, जय चौड़ा। आज शिवरात्रि भी है, पांचवी बार छठी बार फिर आ गया हूँ मैं गुलजू मंदिर। जय गुलजू, कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसे आते रहेंगे। जय गुलजू की, चौड़ा गुलजू। आज फैमिली के साथ फिर पहुंच गए हम, और ये रही फैमिली। ये हमेशा लेट कर देती थी पीछे को, ये देखो। और बालक उधर घूम रहा है, आ जा बालक। ये है हमारा, ये देखो, ये आया मटकू, ये देखो मटकू को है। हम पहुंच गए चौड़ा गुलजू मंदिर। आप सभी को शिवरात्रि की बधाई है ढेर सारी। कौन हो? हाँ, मंदिर है वो, बाबा जी है वो। ठीक है, ये हमारे काल भैरव आ गए। यह है मंदिर का मुख्य गेट, यह है चौड़ा के गुलजू। यह पड़ता है आपका गिरछिना वाले रोड में। ये देखिए, जय गुलजू, ये है हमारे गुलजू, जय गुलजू। आ जाओ, भैया को भी ले आओ, शाबाश। जय गुलजू, कृपा दृष्टि बनाए रखो। डॉगी भौंक क्यों रहा है? ये देखिए गुलाब की कटिंग, ये बढ़िया गुलाब की कटिंग हो रखी है। ये देखिए, ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश।
यह है गोलियों का मेन ऊपर का शीर्ष गुम्बद है। ये सामने नदी है दोस्तों, ये आई है यहीं पर ही गोलियों मंदिर है, और वो सामने लकड़ी का पुल है उसके ऊपर अभी स्थाई पुल बना दिया है। ये सामने रोड आ गई सोमेश्वर गिरिसिना बागेश्वर वाली, इधर को आपकी सोमेश्वर हो गया, इधर को बागेश्वर हो गया। ये खेत है, ये देखिए कुछ लोकेशन इस तरह की है यहाँ की। यह है भोगशाला, पानी साफ है पीने का। ये हो गए चूल्हे, भंडारे के टाइम में इनमें खाना बनता है।